ये वाली गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये हम ये देखना अभी ये देखो आपने देखा मैंने कुछ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। और आज मैं व्लॉग लेकर आया हूँ अपने एकोमोडेशन के बारे में। अभी मैं पूरा का पूरा टूर करवाने वाला हूँ अपनी एकोमोडेशन का। दूसरी कंट्री में जाना है हमारा प्लान है, इसके बाद में यूरोप साइड जाने का, जिसमें टर्की वगैरह पहले कवर करेंगे थोड़े से दिन में, उधर की ब्लॉगिंग वगैरह करूँगा और उसके बाद में फिर गाइस देखते हैं मतलब कहाँ पे जाना होता है, क्योंकि एक जगह पे तो मैं रह नहीं सकता हूँ कंपनी के ही टूर से। अभी शायद इजिप्ट भी जाना पड़े और शायद अभी और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी हमें कवर करना है, क्योंकि अपना काम ही कुछ ट्रैवलिंग के पर्पज़ से ऐसा है कि घूमना फिरना भी चलता रहेगा और अपनी ब्लॉगिंग भी चलती रहेगी। दोस्तों हमारी सारी की सारी एकोमोडेशन बहुत अच्छी दी है, दो की शेयरिंग का हमारा रूम है कंपनी ने जो प्रोवाइड हमें करवाया है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि खाना वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है, खाना वगैरह मेस वगैरह हमारे कैंपस में ही है। ये मेरा बैग है गाइस जो मैं इंडिया से लेकर आया था। तो गाइस अभी हमारा खाना आ चुका है और अभी आप देख सकते हैं ये नॉन वेज का कुछ आइटम है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम है, पता नहीं कौन से मीट से ये बना है। ये हमारी नूडल्स हैं विद मैक्रोनी, राइस हैं, एग्स हैं और ये हमारी कर्ड है और सैलड है और नैपकिंस वगैरह हैं। और गाइस बस खाने की आइटम्स बहुत ज़्यादा होती हैं और खाने में ये नहीं है कि अगर 20 से 25 आइटम्स कंपनी प्रोवाइड करवा रही है तो आप उसको वेस्ट करेंगे। और ये देखिए ये व्यू मेरे रूम से आता है, सामने मॉस्क है, बट अभी थोड़ा अलाउड नहीं है यहाँ पे जाना क्योंकि थोड़ा सा कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है हमारी एकोमोडेशन में। और ये देखिए ये मेरे रूम से व्यू आता है कंपनी से, अराउंड में 30 मिनट्स लगते हैं हमें हमें मतलब पूरी ट्रांसपोर्टेशन दी हुई है और हम वैसे ही जाना आना कर सकते हैं आराम से। और खाना वगैरह गाइस बहुत ज़्यादा सही दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना दे रहे हैं और सब बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। तो दोस्तों खाना वगैरह तो हमारा हो गया है, ये एसी लगा हुआ है यहाँ पे और ये मेरा रैक है, शूज़ का रैक है और इसमें शूज़ वगैरह स्लीपर्स वगैरह मेरी इधर रखी हैं। और काफ़ी मतलब हर चीज़ काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे रूम्स दिए हैं कंपनी ने। और अभी भी कंपनी जो हमारी है ये शिफ्ट करने वाले हैं यहाँ से जल्दी ही, क्योंकि हमें बिल्कुल सेपरेट सब कुछ दे दिया जाएगा जल्दी ही। अलमीरा मेरी लॉक है, मैं अभी खोल कर इसमें मैंने सामान वगैरह सब अच्छे से लगा दिया था। कर्टन्स वगैरह जो हैं ये अपने इंडिया की तरह ही हैं, अगर आप चाहें तो मतलब इनमें वैसे हाथ से नहीं कर सकते हैं आप, ये देखिए हाथ से नहीं होते हैं, ये जस्ट आपको पुल करना है उसको अपनी तरफ और वो खुद ही सेटअप में आ जाएगा। मौसम वगैरह बहुत अच्छा है गाइस और आप देख ही रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी एक व्यू, देखिए आप गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा महंगी है और शेख घूम रहे हैं, उनका एकोमोडेशन भी बिल्कुल साथ में ही है, काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ इनके पास हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। अभी काफ़ी सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं गाइस जिसमें मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें दिखाने वाला हूँ आपको। ये लॉक क्यों नहीं होता मेरे से, ये मेरी अलमीरा है गाइस आप देख ही रहे हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, मैंने अपना सामान वगैरह जो था सेटअप कर लिया, इतना ज़्यादा सामान तो ट्रैवलिंग में होता नहीं। तो गाइस अभी हम बाहर जा रहे हैं, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह हैं सब ऑटोमेटिक चलती हैं, जैसे ही मैं देखो एंटर होऊंगा तो लाइट जल जाएगी, मतलब जैसे ही मेरी प्रेजेंस वहाँ पे होगी ना तो लाइट ऑन हो जाएगी, देखना अभी ये देखो आपने देखा मैंने कुछ भी बटन वगैरह नहीं लगाया है और लाइट वगैरह खुद ही ऑन होगी इधर। ये हमारा पूरा अपार्टमेंट है और इसमें विंडोज़ वगैरह काफ़ी आप देख ही रहे हैं और ये देखिए गाड़ियाँ वगैरह भी सामने लगी हुई हैं, सामने दूसरी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के नंबर हैं, जो भी आपको बिल्डिंग दी जाएगी उसका एक नंबर है उसी में आपको एंटर करना है। और ये देखिए पूरे के पूरे रूम्स ही वगैरह हैं, जैसे ये टेलीफोन रूम है, ये गार्बेज रूम है और ये स्टेयर केस है नीचे जाने के लिए, ऐसे ही मतलब यहाँ पे जैसे सिगरेट वगैरह कोई पिएगा तो अलार्म वगैरह चल जाएंगे, पूरा इमरजेंसी वगैरह का दिया हुआ है। ये डस्टबिन वगैरह हैं जैसे हमने सामान वगैरह कुछ गिराना हो इधर ही हमें गिराना पड़ेगा।
ये मेरी बिल्डिंग से बाहर निकलते ही जो व्यू आ रहा है ये ऐसा है। यहाँ से अलग अलग बिल्डिंग के ब्लॉक्स हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह सबको मिलती हैं, उसी के हिसाब से रूम्स वगैरह होते हैं जो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। हर तरह का मतलब इधर रूम है, काफ़ी अलग अलग कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ यहाँ रहते हैं। सिक्योरिटी दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। आप बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते हैं और ना आप किसी अपने नॉन को अंदर बुला सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है। सिर्फ कंपनी के जो लोग हैं वही अंदर आएंगे और ऐसे मतलब आना अंदर अलाउड ही नहीं है। और मेरे को भी यहाँ पे जब परमिशन मिली थी तो पूरा एक मेल आई हुई थी उन पर ऑलरेडी कि जो समद खान है वो आया हुआ है, और जैसे मेरा नाम वगैरह सब उसमें रजिस्टर्ड था, मेरा पासपोर्ट नंबर वगैरह सब रजिस्टर्ड था, तब जाके मुझे यहाँ पे एंट्री मिली है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के रूम में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं वहीं पर रहता हूँ, तो अभी वहीं पर जा रहा हूँ। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और अभी अपने दूसरे दोस्त के रूम में जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वहीं पे मैंने थोड़ा अपना सामान रखा हुआ है। और सफाई वगैरह आप देख ही रहे हैं कैसे चल रही है, सफाई वगैरह यहाँ पे 24 घंटे चलती रहती है, क्योंकि सफाई में इधर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह जो सफाई वाले हैं लगे हुए हैं। और हम जा रहे हैं अपने रूम में, पिक्स वगैरह देखिए आप यहाँ की, मतलब पुरानी पिक्स वगैरह हैं ये। अलग अलग तरीके के रूम हैं, किसी में 2 की शेयरिंग है, किसी में 4 की शेयरिंग है। और फ़ोटोज़ वगैरह देख ही रहे हैं, यहाँ पे भी वही लाइट का सिस्टम है, क्योंकि कैंपस ये एक ही है। और अभी मैं अपने दूसरे दोस्त के रूम में आया हूँ, ये वाला रूम हमारे फ्रेंड लोगों का है, इसमें 4 की शेयरिंग है, ये भी काफ़ी अच्छा रूम है। अभी वो वाला रूम मुझे कंपनी ने प्रोवाइड किया है, लेकिन मैं ज़्यादातर यहीं पे रुकता हूँ, क्योंकि मेरा मन इधर ही लगता है, इधर दोस्त वगैरह सब अपने इधर ही हैं। इनका डिपार्टमेंट टोटली अलग है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमारी कंपनी के, बट हम साथ ही रहते हैं, क्योंकि मेरी बनती इन्हीं के साथ है, वहाँ पर थोड़ा सा मन नहीं लगता मेरा, तो इधर ही मैक्सिमम टाइम में। दोस्तों अभी देख पा रहे हैं आप जो सामने रूम है वो मेरा रूम है, सबसे टॉप फ्लोर, ये देखिए। और ज़्यादा जूम करता हूँ, ये जो आप विंडो देख रहे हैं ये वाला मेरा रूम है, और मैं अभी नीचे से आया हूँ उसकी कवरेज करने के लिए। और जहाँ जो आपको व्यू मैंने ऊपर से दिखाया था, अभी मैं उधर ही नीचे खड़ा हुआ हूँ और उधर से शूट कर रहा हूँ। और ये कैंपस है हमारा, सफाई बहुत ज़्यादा है और गाड़ियाँ एक से एक बेहतरीन गाड़ियाँ हैं। ये वाली गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये हमारे स्टाफ में से किसी एक की होगी, अभी अभी तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टाफ है, मुझे मालूम भी नहीं कौन कहाँ से है और कहाँ से नहीं है, अभी टाइम लगेगा सबको जानने में। ये हमारे कैंपस का जो है एंट्री गेट है, और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है यहाँ पे, क्योंकि पास के बिना अंदर अलाउड नहीं है। अगर बाई चांस कोई नया है तो उसको अपना वीज़ा कॉपी या वर्क का कुछ मेल उसका आना चाहिए, तभी ये लोग एंट्री करते हैं। सुबह मैं जस्ट उसमें से विदाउट सिक्योरिटी चेक निकल गया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी सिक्योरिटी गार्ड से कि आप नए हैं तो वो बात नहीं, आपको 3 से 4 बार मतलब कैमरे में आप आए हुए हैं और ऐसी ऐसी बात है। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है, और ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं, रात का नज़ारा आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, अभी रफ्ते रफ्ते सारे व्लॉग्स आएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर कमेंट करिए अगर आपको वीडियोज़ मेरी अच्छी लगी हैं, और ज़्यादा वीडियोज़ मैं लेकर के आऊँगा, आप सपोर्ट करिए। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर हो पाएगा हम उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और जल्दी से जल्दी और वीडियोज़ लेकर आएंगे।